वेलकम वेलकम वेलकम। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मजेदार स्पेशल सेशन के साथ आज मैं हूँ लाइव विद तौसीक हैदर में, जिसमें नताशा हमारा एजाज मेरा साथ देंगी। नताशा बहुत अच्छा म्यूजिक बनाती हैं, बहुत अच्छा गिटार बजाती हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं। और नताशा हमारे साथ बिल्कुल आने वाली है। आई होप शी पिक्स अप माय रिक्वेस्ट एंड देयर शी इज। हेलो हेलो माय फ्रेंड, क्या हालचाल है? हेलो, आई थॉट आईड एंटर डांसिंग। आई एम गोना प्रिटेंड लाइक दिस इज एन एक्चुअल टॉक शो। और अभी आपने मुझे अनाउंस किया है और गाने बज रहे हैं और मैं एंटर हुई हूँ और आप उठे हैं और हमने क्या हाल है तौसीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अभी कल ही तुम्हारा जनाब जो ओएसटी रिलीज हुआ बेंच का, उसके बाद तो यू आर फ्लाइंग हाई, तो मुझे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। यू नो तौसीक, माय थंब इज लाइक लिटरली नम टुडे बिकॉज आई हैव बीन ऑन द फोन जस्ट पोस्टिंग रीपोस्टिंग टाइपिंग 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 टाइपिंग। आई इट्स सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रिलीजिंग अ सॉन्ग इन कोविड, इन लॉकडाउन, इन क्वारंटीन, वेयर यू आर लाइक You're the only person doing the work at the time because obviously जब ये usually हो रहा होता है मेरी जो releases हो रही होती है, दो तीन लोग कोई दोस्त ही आ जाते हैं और आधा आधा काम संभाल लेते हैं, you know, कि अच्छा ठीक है तुम इसको तुम अपलोड हैंडल करो और हम ये हैंडल। मैंने मांगा ही नहीं, मैंने कहा क्या मैं आप लोगों को घर बुलाऊं अपना काम करने के लिए, तो अब मैं अकेली बैठी हूँ, सबको ताने दे रही है इस वक्त। अच्छा भी, let's start with सोई नहीं से शुरू करते हैं। मतलब tell me how did it evolve, ये कैसे फिर बेंच तक कैसे पहुंचा, पहले गाना बना या पहले बेंच बनी, क्या हुआ? डेफिनेटली पहले गाना बना था। हुआ ये था कि मैं जिस कमरे से ये लाइव कर रही हूँ उसी कमरे में कोई 2 साल 1.5 साल पहले मैं एक छोटा सा गिटार नहीं है जो आप भी बजा से चुके हैं शो पे तो वो उस गिटार को लेके मेरा जाज का गिटार मैंने बजाया हुआ है। आई फील प्राउड। बजाया क्या सर, आपने तो सीखा हुआ है, आप तो अभी तो आप भी मुझे अभी लेसन बाकी है, आपको याद है ना, बहुत अरसा हो गया है। बिल्कुल बहुत टाइम हो गया है। और ये तो जो लोग नहीं जानते हैं कि मैं मेरा और नताशा का क्या रिश्ता है, तो मैं आज आपको बताता चलूं कि ये रिश्ते में मेरी उस्ताद है। इन्होंने ये फैसला किया था कि मुझे गाना सिखाएंगी और गिटार बजाना सिखाएंगी, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने इनको गलत साबित किया। आई एम अ वेरी वेरी बैड स्टूडेंट। ये बिल्कुल ना सच है, आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि तौसीक ने कितनी जल्दी सीखा एक्चुअली। और आज आपका टेस्ट होगा, बहुत अरसा हो गया तो अभी आप भी मुझे गाना सुनाएंगे। बट बेसिकली लॉन्ग एंड शॉर्ट वाज दैट आई वाज लाइक अ ईयर एंड हाफ अगो, रात को नींद नहीं आ रही होती कभी कभी। उन दिनों मेरी वालदा बहुत बीमार थी तो वो उनको मैं सुला के कमरे में छोड़ के आई थी, तो उसके साथ बैठी थी तो वो बस एक रिफ बननी शुरू हो गई और रिफ के साथ लिरिक्स आने शुरू हो गए। ऑनेस्टली लाइक मैंने कुछ सोच के नहीं लिखा था कि ये होगा। वो जो पहली उसकी थी उसको मैं सिर्फ फॉर टेक्निकल टर्म्स आमद कहूंगी, मैं अपने आप को इतना कोई बड़ा नहीं समझती कि मुझे आमद हो रही है, बट आई मीन दैट्स द क्लोजेस्ट आई कैन कम टू इट, व्हिच इज दैट वो गाने का जो पहला पार्ट है ना अप टू ये आया था मुझे एंड आई वाज स्लीपलेस, सो आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दैट एंड द सॉन्ग डेवलप्ड इनटू समथिंग। कि मुझे ये फीलिंग हो रही थी कि आपकी इतनी कोई डिवोशन हो किसी के साथ कि चाहे सब आपसे लूज हो जाए, चाहे सब आपसे ले लिया जाए, आप फिर भी उनकी मोहब्बत में ही डिवोटेड रहते हैं। और ये एक्चुअली उस वक्त में तो मेरी वालदा की तरफ था, लेकिन जैसे ये गाना डेवलप होता रहा, आई फील द सेम वे अबाउट माई ब्रदर, आई फील द सेम वे अबाउट माई सिस्टर एंड चिल्ड्रन, यू नो आई फील द सेम वे अबाउट लाइक अ लव्ड वन। ये कहानी थी सिर्फ गाने की और वो सिर्फ उर्दू में था। फिर हुआ ये कि उस्मान मुख्तार को मेरा अभी जो गाना था वो पसंद आ गया अपनी फिल्म के लिए, तो मैंने कहा यूज कर लो, तुम तो दोस्तों मेरे कर लो। वो फिल्म की अख्ताम तक, एडिट की अख्ताम तक पहुंचा था तो कहता है यार मुझे तो एक और गाना चाहिए, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा आई हैव दिस लिटिल आइडिया, आई डोंट नो इफ यू लाइक इट, बट मैंने उसको वीडियो भेज दी, ही लव्ड इट इंस्टेंटली, ही इज लाइक फिनिश इट। मैंने वो खत्म भी कर लिया उर्दू वर्जन पूरा 4 महीने पहले, ठीक है, ये पिछले साल की बात है, ये है कोई अक्टूबर नवंबर
की बात है कि मैंने गाना अपनी तरफ से खत्म किया हुआ था. फिर मैं हनिया असलम को सुना दिया, जो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उन्होंने कहा नताशा बहुत अच्छा है, इसमें तुम बंगला डालो. फिर मैंने कहा ओ हो, अब तो कुछ और ही सीन होने वाला है. तो वहां से इसकी एक नई कहानी शुरू हुई, जिसके अंदर फिर मैं, मेरी वालदा बहुत रविंद्र जी को रिवेयर करती थी, पढ़ती थी, उनके पास किताबें भी पढ़ी थी उनकी. तो मैंने कहा ठीक है, तो लेट्स डाइव हेड फर्स्ट इनटू इट. उसके बाद डिसाइड किया कि कौन सी वर्सेस हमें पसंद आई थी. फिर रियलाइज किया कि आप जो रविंद्र जी की जो हमें कपलेट्स पसंद आई थी, वो उनपे कॉम्पोजिशन ऑलरेडी हुई है, यू कांट चेंज इट. सो द मेलेडी दैट यू हेयर ऑफ द बंगला सेक्शन इज ओरिजिनल बाय रविंद्रनाथ टैगोर. अच्छा द लिरिक्स एंड द मेलेडी बोथ आर ओरिजिनल बाय द ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर. एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ मिरेक्युलस इट वाज कि वो पार्ट इतना परफेक्ट फिट आ गया गाने में, वरना हम क्या करते, लेकिन बिकॉज़ हम चेंज तो कर नहीं सकते उसे. उसकी वजह से मे बी या मे बी जिस तरह से पूरी जो उसकी प्रोडक्शन की जो उसकी साउंड मिक्सिंग के जो विंटेज फील है ना वो बड़ी जबरदस्त द होल म्यूजिक एक्सपीरियंस हैज अ विंटेज फील टू इट व्हिच इज ग्रेट I really और wanted it to feel like that. I'm glad you're saying that because I wanted it to feel like कि हम अपनी बालकनी पे बैठे, अपने कमरे में बैठे, कुछ सुन रहे हैं बहुत पुराना, और बस वो हम सुनते सुनते वो हमारी, मतलब हमारी फोकस में आ गया, और फिर वो फोकस से ही सुनते 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 वापस वो रिकॉर्ड में चला एग्जैक्टली गया है. मुझे उसको ना सुनते पे मैं तो खैर बहुत पुराना पांडा हूँ तो मेरी उम्र का भी पता लगेगा तो याद है हम लोग बचपन में टीनेज में मुझे उसकी वो फील आ रही थी रेडियो सिलोन की ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है या ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर और मतलब यू नो लेट नाइट आप फरमाइशी गाने सुन रहे हैं या आफ्टरनून में सुन रहे हैं तो वो पूरी जो फील थी ना वो बड़े बड़ी बड़ा इमोशनल पंच है उस गाने का ना मुझे तो बड़ा मजा आया थैंक यू आई कॉन्ग्रेचुलेशन रियली थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट दैट. एक्चुअली मुझे पता था इस गाने को लेके मेरे पास एक, आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन दिस कॉन्फिडेंट अबाउट अ सॉन्ग ऑफ माइन. बाय द वे, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने बहुत गाने निकाले और मुझे सब पे बहुत नाज है और बहुत फेथ था जब लिख रही थी और रिलीज कर रही थी. लेकिन जब ये रिलीज हो रहा था ना, मुझे बस पता था, मुझे पता था कि इस पे तो कोई सवाल ही नहीं है. ये मुझे पहली दफा, मुझे लगता है कि मैं म्यूजिक पता नहीं कितने सालों से पढ़ रही हूँ तौसीफ, मुझे लेकिन आज पहली दफा लगा है कि मैंने उसकी फ्यूजन को सही तरह समझा है, शुरू हुई हूँ समझना. अच्छा बहुत सी बातें सो करनी नताशा और टाइम बहुत कम है इसलिए हम क्विक क्विक थोड़ा सा चलेंगे अब मुझे बताओ कि तुमने भी जिक्र किया कि म्यूजिक पढ़ा म्यूजिक कहाँ से पढ़ा है तुमने और कितने साल पढ़ा है वैसे तो पढ़ने का सिलसिला अभी भी चल ही रहा होगा बिकॉज यू आर ऑलवेज लर्निंग लेकिन एक्चुअली पढ़ा पढ़ा डिग्री वाइज कहाँ से पढ़ा मलेशिया से एक यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से, जो कि बर्कली म्यूजिक, जो बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक है अमेरिका में, उसकी उसकी एसोसिएट यूनिवर्सिटी है. तो ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एशिया में सारे ऑडिशंस होते हैं बर्कली के. ठीक है, सो बेसिकली दिस वाज द यूनिवर्सिटी, इट वाज क्लोज बाय टू होम, इट वाज मोर अफोर्डेबल देन अदर यूनिवर्सिटीज. अप्लाई तो मैंने बहुत जगह किया हुआ था, लेकिन चादर बिछा के इंसान करता है जो वो कर सकता है. तो मेरी चादर बिछी हुई थी, मेरे सामने थी, मैंने कहा ठीक है, केएल इज क्लोज बाय, आती जाती रहूंगी, फैमिली से भी मिलती रहूंगी, वो भी उधर आ सकते हैं. कॉलेज टर्न्ड आउट टू बी मतलब लकी लकी बेट के वो बहुत अच्छा कॉलेज निकला, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे निकले. तो मैंने तो वो 2.5 साल थे मेरे पास तौसीफ सर, मुझे मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स थे जो कि मुझे पता है कि मैंने इस्तेमाल करने थे. और मैंने कहा ठीक है, अब 2.5 साल है नताशा, 4 साल की पढ़ाई तुमने 2.5 साल में करनी है. आप यकीन करें मैं हर वक्त लाइब्रेरी में रहती थी, मैंने लाइब्रेरी में नौकरी भी शुरू कर दी थी. तो मेरी ऑन कैंपस जॉब होती थी, वेयर आई यूज्ड टू बी इन द लाइब्रेरी गिविंग द बुक्स आउट एंड आल्सो स्टडीइंग एट द सेम टाइम. तो बेसिकली हंगर थी बहुत ज्यादा, पता था कि मैंने कुछ ऐसा करना है म्यूजिक के साथ जो मैंने पाकिस्तान में सुना हुआ नहीं था. करना मैंने पाकिस्तान में ही था, लेकिन मैंने सुना हुआ नहीं था पाकिस्तान में जिस तरह का काम मैं करना चाहती थी. तो इसलिए मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि मैं जाके प्रोडक्शन सीखूंगी, मैं सॉन्ग राइटिंग सीखूंगी, मैं उतना कुछ सीखूंगी कि जब मैं वापस आऊं तो मैं अपना एक ट्विस्ट दे सकूं म्यूजिक को, जो कि मेरी एक पूरी एक एस्पिरेशन रही है पाकिस्तान में. तो अब फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं अब किस तरह का म्यूजिक नताशा कर रही होगी और व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट माई ड्रीम प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अ प्ले. इट इज अ म्यूजिकल दैट आई एम राइटिंग.
based on a Pakistani folk tale. Pakistani? Folk tale. Achha, okay. Kaun si? Iran ya kya? Nahin, it's Saif. Saif ul Muluk. Yes. तो उसपे वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है. वो मुझे लगता है कि वो है. मैं रात को यही सोच रही थी कि मेरी अब दो प्रायोरिटीज है सिर्फ. एक, हर 2-3 महीने गाना निकालना है मैंने, और उसको लेके तो मतलब I want to push thresholds of genres कि मैं एक किस्म का गाना नहीं निकालूंगी. मैं पॉप भी निकालूंगी, मैं अजीब साइकेडेलिक भी निकालूंगी, मैं म्यूजिक फिल्मों के लिए भी करूंगी, मैं हर चीज करूंगी. लेकिन उसके साथ साथ जो मेरी एक दुआ है वो ये एक स्क्रिप्ट है जो मैं लिख रही हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है. अच्छा, भी साइकेडेलिक म्यूजिक बनाते हुए अगर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत हो, कि तुम्हें साथ ही साथ एक लिस्टर चाहिए, साथ साथ बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा, तो प्लीज आई वॉन्ट टू. डन डन डन. अच्छा नताशा, ये बताओ कि जो अलाया जो एनिमेशन थी, उसके अंदर तुम्हारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम था, हाउ डिड दैट हैपन, और उसका कुछ हमें सुनाओ भी. अब थोड़ा बातें काफी हो गई, लेकिन साथ साथ कुछ. For sure. Ala Yaar was a very lucky coincidence. मैं acting बहुत अरसे से कर रही हूँ, और थोड़ा circles में लोग जानते थे कि ये बंदी है जो musician भी और actor भी है. और लगती है मैं बहुत young हूँ, और मेरी आवाज भी थोड़ी youthful सी है, उसमें ज्यादा एज नहीं पता चलता. तो Ala Yaar वाले एक एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे जिसकी आवाज 8 से 12 साल के बीच में साउंड करे. तो वो ऑब्वियस चॉइस फिर मैं ही बनी. तो उन्होंने मुझे कॉल की कि आप ऑडिशन करेंगे कि नहीं. मैंने तो आई जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन, बिकॉज मैं तो एनिमेशन पे बड़ी हुई हूँ, तो मेरी तो जिंदगी आवाजें अजीब अजीब निकालती हुई गुजरी है. तो ये तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था उस वक्त पे, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था. तो उन्होंने मुझे ऑफर की, मैंने ऑडिशन किया, मुझे रोल मिल गया, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छी प्रोडक्शन कंपनी थी. तो काम इस वजह से बस. अला यार का कोई डायलॉग, दो डायलॉग्स प्लीज प्लीज प्लीज. ओ ओ हेलो, मेरा नाम मेहरू है, मेहरू. ओ लगता है इस बंदर के सर पे बहुत जोर चोट आई है. Very nice. that was the first time she talks to Ala Yaar, and I think my favorite was मैं अपने पापा की favorite हूँ, लेकिन मेरी बहनों को ना बताना. उसको नहीं पता, सारी बहनें यही कहती हैं. सारी बहनें यही कहती हैं. हाँ अच्छा भाई, आपको मैं वो लोग जो पीटीवी होम पे मेरा जो शो है राइजिंग पाकिस्तान पीडी होम और पीडीवी न्यूज पे चलता है, अगर उसको आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एवरी ट्यूजडे नताशा हमारा जाज उसमें आती है, जमशेद भी आते हैं, जमशेद अली खान भी, लेकिन नताशा भी आती है, और एक गिटार के साथ एक म्यूजिक सीन के ऊपर एक बहुत मजे का सेगमेंट करती है, और कुछ हमें सुनाती भी है, और पाकिस्तान के जो इस वक्त म्यूजिक में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा रिव्यू भी देंगे. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू जॉइन नताशा ऑन माय शो इन द कमिंग डेज. अच्छा, लेकिन उसके अंदर जो नताशा, इस बात पे मैं एक चीज कह सकती हूँ सर? जी जी प्लीज. मैं बस आपकी ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि आप नोटिस करेंगे कि आई एम स्विचिंग बिटवीन कॉलिंग हिम तौसीक एंड सर, क्योंकि प्रोफेशनली अब हमारी रिलेशनशिप ये हो गई है कि हम कॉलीग्स हैं, तो इनको तौसीक कहना ठीक है. लेकिन मैं आपकी इतनी डाई हार्ट फैन हूँ, अपने पूरी जिंदगी से मैं आपकी इतनी डाई हार्ट फैन हूँ कि कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि मैं आपसे डायरेक्टली लाइक इन कॉन्वर्सेशन होती हूँ. और जब मुझे शो मिला और जब मैंने शो करना शुरू किया सर, मैंने यू आर सच अ प्रो, यू हैव सो मच टू टीच. आप मतलब थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी टू बी पार्ट ऑफ दिस इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. और मैं ये कहना चाहूंगी कि राइजिंग पाकिस्तान की टीम इस वक्त शायद पाकिस्तान की टेलीविजन पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्रिएटिव कंटेंट कर रही है, और मैं बहुत 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 प्राउड हूँ कि मैं इस टीम का एक हिस्सा हूँ. अच्छा अच्छा सर, कोई गाना सुना दो. गिटार पे या गिटार के बगैर? गिटार पे. गिटार पे. अच्छा, अंगूठियां भी करती हैं साथ साथ.
सोई नहीं सुनाओ. आप लोगों को सोई नहीं सुनाऊं? पता हम्म. है अब तो मैं बंगला भी सीख गई उसकी थोड़ी सी. भूल बिखेरे हायोशी चोखेर देखा प्राणेर कथा शीखी भूला जाए. सोए नहीं जागे नहीं खोए नहीं भागे नहीं भागे नहीं दिल के पिंजरे की मेरे पास चाबी नहीं चाबी नहीं. की होंगी बातें कई काटी होंगी रातें कई फिर भी पिंजरे की मेरे पास चाबी नहीं चाबी नहीं. जो है तेरा रहे तेरा जो है मेरा वो सब है तेरा. सोए नहीं जागे नहीं खोए नहीं भागे नहीं भागे नहीं दिल के ये पिंजरे की मेरे पास चाबी नहीं चाबी नहीं. हाँ की होंगी बातें कई काटी होंगी वादे कई इरादे सभी फिर भी पिंजरे की मेरे पास चाबी नहीं जो है तेरा रहे तेरा जो है मेरा वो सब है ब्यूटिफुल. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. नताशा, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ठीक है. और ब्रेक के बाद हम इसका पार्ट टू शुरू करेंगे. आई हैव टू सेव दिस फाइल एंड देन मूव टू द अदर फाइल राइट. सो हम सी यू स्टार्ट आफ्टर कर द रहे हैं इन टू ब्रेक. मिनट्स. स्टिक ऑसम. अराउंड, स्टे विद अस. बैक, हमारे साथ मौजूद हैं आज लाइव तौसीक हद में नताशा हुमैरा एजाज और चल के देखते हैं कि वो अब हमें ऑनलाइन नजर आ रही है या नहीं आ रही है. अभी तो कोई व्यूअर नहीं है. नताशा नताशा आ जाओ, नताशा आ जाओ, नताशा आ जाओ. लेट्स सी इफ शी पिक्स अप माय रिक्वेस्ट. आ गई फिर से म्यूजिक के साथ. हेलो 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 अगेन. हेलो 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 हेलो. अच्छा मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारा करियर पिछले 6-7 साल से एक बड़े इंटरेस्टिंग सा करियर मुझे नजर आता है, क्योंकि नॉट ओनली एज अ सिंगर बल्कि जो तुम थिएटर करती हो इंसलेंट नाइट्स, उसको क्रिएट करना चलीन के साथ और बाकी सारे तुम्हारे जो कॉलीग्स हैं उस्मान खालिद भट्ट है, उस्मान मुख्तार एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, बहुत लंबी लिस्ट है. तो ये बड़ा डिफरेंट सा तुम लोग काम करते हो. मतलब इंसलेंट नाइट्स का मैं तो खुद बहुत बड़ा फैन हूँ भी, और लेकिन ये काम बड़ा यूनिक है, बड़ा डिफरेंट है. और मैंने देखा तुम लोग, यू आर नॉट फिशिंग फॉर फॉलोअर्स, यू आर नॉट फिशिंग फॉर बिग स्टारडम और कितने हमारे टिकट बिक जाए और हमारा फलानी जगह पे इंटरव्यू आ जाए. और हम ये क्या चक्कर है, ये इज इट इंटेंशनल या ये आजकल इन है कि मशहूर नहीं होना? नहीं एक्चुअली आई थिंक एक तो नोटेबल बात ये कि हम सारे जो दोस्त हैं उन्होंने थिएटर भी इकट्ठे शुरू किया, इंसिडेंट नाइट्स भी इकट्ठे शुरू किया, और इन सब चीज़ों की वजह से हम अपने अपने करियर्स में कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं. और उन करियर्स में जैसे जो हम कंटेंट इंसिडेंट नाइट्स का करते हैं वो आपने नोटिस किया होगा वो अनकन्वेंशनल कंटेंट है, जो कि कभी कभी हम हमें लगता है कि उसकी ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारी ओपिनियंस के साथ
अग्री करते हैं लेकिन उनको वो कंटेंट मिलता नहीं है उनके ओपिनियंस के साथ, उनको रिप्रेजेंट करने वाला, उनके कंटेंट, उनकी ओपिनियन से अग्री करने वाला. तो उस वजह ये है कि वी वॉन्ट टू बी द कैटलिस्ट फॉर पीपल. लुक, इंसुलेट नाइट्स मेरे लिए तो एक थेरेपी सेशन होता है, वो काम नहीं है, वो चीज नहीं है, वो एक मेरे ऐसा लिए सेशन होता है. होता है जब मैं बैठ के देख बिल्कुल रहा होता वो हूँ तो सीरियसली अनवाइंड कर जाता हूँ। हम लिखते भी अपने आप को अनवाइंड करने के लिए. तो आप नोटिस करेंगे हर शो का थीम डिफरेंट होता है क्योंकि हर शो के 2-3 महीने पास हुए हुए होते हैं और उन 2-3 महीनों में बहुत सारी चीजें हुई होती हैं पाकिस्तान में, हमारी जिंदगियों में, हर चीज में. तो वो हमारा जो लिखने का प्रोसेस है वो उसको निकालना है और लोगों को दिखाना. प्रोसेस ये है कि आप भी ये फील कर रहे होंगे तो क्यों ना आप हमारे साथ आके फील कर लें. उसके अलावा ये बात है कि मेरा ख्याल है नताशा की कॉल आ गई है और नताशा की चरखी घूम रही है और ये कॉल चली गई है, नताशा ने आ रिजेक्ट गई आ गई आ गई वापस आ गई वापस आ गई, कॉल रिजेक्ट कर दी. जी, तो मैं कहने का ये मकसद था. और दूसरी बात ये कि हम सारे अपने अपने करियर्स में कमा रहे हैं, हम अपने अपने करियर्स में फेम कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो हमें इससे फेम कमाने की कोई जरूरत नहीं है. वो ओके यू नो तो हम इसलिए ये शायद शायद इसके अंदर फेम और पैसा डाल दिया जाए ना तो फिर इसके अंदर वो बात भी नहीं रहेगी। हो सकता है. एंड आई थिंक इंसुलिन नाइट्स जैसी चीज तब फेमस होगी जब बहुत सारे लोग हमारे ओपिनियंस को सुनने को तैयार होंगे, हाँ जो कि बड़ा मुश्किल काम है। जो बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है. लेकिन अब हम भी सीख रहे हैं. जैसे आपने देखा होगा इंसुलिन नाइट्स का जो प्रीवियसली क्वारंटीन में कंटेंट है वो मेरा लेडी कोरोना वाला है, जो कॉमेडी सीरीज है. बहुत ठीक मजे है, सो वो दैट इज एक्सेप्टेबल. सो नाउ वी आर लाइक वी आर ऑल्सो शिफ्टिंग इट अराउंड एंड मेकिंग श्योर दैट वी आर पुटिंग आउट कॉन्टेंट जो लोग अप्रिशिएट कर सकें, शेयर कर सकें, उससे रिलेट कर सकें. मुझे तो बहुत शौक है कॉस्ट्यूम में, मुझे तो मैं उस ड्रेस में रोज बैठ सकती हूँ. अच्छी लग रही है उसमें, थैंक स्टनिंग, जबरदस्त। ये मेरे लक्स का अवार्ड का ड्रेस था जो मुझे लक्स की नॉमिनेशंस 2 मिली थी 2015 में. तो वो एल्बम की भी थी और वीडियो की भी थी. तो ये मैंने उस वक्त पहना हुआ था, तब से मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने कभी नहीं निकाला फिर से. और फिर ये क्वारंटीन हुआ, मैंने कहा जब तो मैंने वो बस. देखा मैंने कहा नताशा बहुत शरारती हुई। अच्छा भी टेल मी अबाउट उस्मान मुख्तार एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कैसा तुमने उसको पाया, टेल मी अबाउट बेंच। और मैं एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड एक्साइटेड। जो मैं उस्मान को कह रहा था भाई मुझे तो कहीं बस घर में लाके लैपटॉप पे दिखा दो, मुझे अब रहा नहीं जा रहा। ये कर लेंगे हम, डोंट वरी. बेंच की कहानी बहुत ही खूबसूरत है और बेंच का प्रोसेस बहुत प्यारा है. उस्मान मुख्तार बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है और वो बहुत ढील देने वाला आदमी है. तो वो उसको पता होता है कि उसको उसकी फिल्म में क्या मूड चाहिए और फिर वो उस हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करता है और फिर उनको उनका काम करने देता है. हाँ तो सोए नहीं का यही था प्रोसेस कि उसने बस सुना और उसने कहा ठीक है, यू नो व्हाट, तुम जिस रास्ते पे भी जा रही हो जो भी करोगी इसके साथ ठीक करोगी. तो उसने मुड़ के पूछा ही नहीं कि गाना का क्या हो रहा है और कैसे बन रहा है. उसकी बस डेडलाइन थी मूवी के लिए जो मिलनी थी, उसका उसने मुझसे पूछा था. बट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी वो बिल्कुल, मतलब, और मेरी बहुत मैडम लंबी एसोसिएशन है उस्मान के साथ. चल मैंने उसके साथ एक उसकी फिल्म थी जो नहीं निकली, शॉर्ट फिल्म थी एक, और वो ओके कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो नहीं निकली. कोई मतलब 2012-13 की बात है, इस तरह की ना कोई. तो उसके लिए वो उसकी जो मूवी थी वो थी एक जॉम कॉम. अब आपने ये लफ्ज नहीं सुना होगा, जॉम कॉम, ठीक है जॉम्बी कॉमेडी, आई नो जॉम्बी रोमांटिक कॉमेडी थी ये. और उसका उसने मुझसे टाइटल ट्रैक लिखवाना था कि इसका, इस मूवी का जो मेन थीम गाना है वो तुम लिखोगे. मैं कहूँ ये मतलब ये तुमने मुझे क्या काम दे दिया है. तौसीक उसका जो गाना था वो बना रैप, मैंने मैंने रैप किया है उस गाने में. ठीक है, सुनाओ और वो है Here's how we go. She was walking down a road. She heard a grunt from behind. That I'd eaten too much grime. Ignored it once, because the smell was nice. But the second time around, I thought, that's funny. Look around and I see him looking at me. Call her up. Stella here. Dirty like he just don't care. Put my head on the side. He tilts his to the right and I go, wait, isn't that a zombie? And then he said, ugh. And I said, ah. Very So, you know, like nice.
उस्मान के साथ मेरी ये रिलेशनशिप है कि हम बिल्कुल बिल्कुल ही ऑल आउट. वो है ना? मुझे असल में तौसीक, आई थिंक मेरी जो दिल की ख्वाहिश है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूं बचपन से. और उसमें ये है कि आप जब म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, आपने कभी आप एक तरह का गाना करते हैं, कभी आप दूसरे तरह का गाना, फिल्म के हिसाब से होता है ना. माना तो उस्मान वो डायरेक्टर है जिसने मुझे शुरू से म्यूजिक डायरेक्टर माना हुआ है. तो वो जो उसके प्रोजेक्ट होता है, वो कहता है नताशा इस तरह की चीजें बना सकती हो, मैं 2-3 दिन पढ़ती हूँ, मैं बना सकती हूँ, मैं उसको बता देती हूँ, उसके बाद वो बन जाता है और वो हो जाती है चीज. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा भी कुछ सुना दो गाना हमें अच्छा सा। अपना सुनाऊं या किसी और का? मैं आज के लिए एक चीज प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप लोगों को टेस्ट कर लूं आपसे. करो टेस्ट हम पे। तोरे बिन जिया जाए ना, सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना, जलूं तेरे प्यार में, हाय जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा किसी से कहा जाए ना, सांवरे तोरे बिन हाँ, जिया जाए ना. इतनी मुश्किल पसंदी, इतने मुश्किल। इसी से तो सीखता है बंदा. अभी इसका सेकंड पार्ट सीखना है ना, तेरे वो सीखूंगी तो फिर वो सुनाऊंगी. वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा नताशा, मुझे बताओ कि जो यंग इस वक्त लड़कियां लड़के दोनों ही, लेकिन खास तौर पे यंग लड़कियां म्यूजिशियंस, एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं, वो क्या करें, कहाँ से सीखें? इज देयर अ करियर इन पाकिस्तान फॉर नॉट ओनली सिंगर्स बट होलिस्टिकली आई एम आस्किंग म्यूजिशियंस, लेडी म्यूजिशियंस, फीमेल म्यूजिशियंस। आई मीन ओके. सो सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं है, सवाल जो है इस सिचुएशन में पूरी दुनिया के बारे में है. क्योंकि असल में इस वक्त पूरी दुनिया के म्यूजिशियंस जो हैं उनके लिए म्यूजिशियन होना टफ है. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि व्हेन कोविड गेट्स आउट ऑफ आर सिस्टम्स एंड व्हेन इट इज सेफ टू डू कॉन्सर्ट्स अगेन, एब्सोल्यूटली अगर आप एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं जो कि गिटार बजाते हैं या कीज बजाते हैं या ड्रम्स बजाते हैं या बेस बजाते हैं, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, उसको इतना प्रैक्टिस करें कि पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं उनको जब जरूरत पड़े गिटार्स की, तो यू कैन बी द फोन कॉल दे मेक एंड यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सबसे जरूरी बात एस्पायरिंग म्यूजिशियंस के लिए ये है कि करियर डेफिनेटली है, लेकिन करियर उनके लिए है जो प्रैक्टिस करते हैं और जो डिलिजेंटली कमिटेड रहते हैं अपने क्राफ्ट के साथ. सिर्फ उनके लिए करियर है, जो कि पाकिस्तान मुश्किल बनाता है आपके लिए. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं जीती जागती एग्जाम्पल हूँ इस बात की. मैं नहीं आती थी इंडस्ट्री से, मेरी फैमिली नहीं थी इंडस्ट्री में. मेरा जितना भी मेरा सक्सेस है वो हैज बिन बेस्ड ऑन नेवर गिविंग अप एंड कीप पुटिंग आउट स्टफ. और जो सुनने वाले हैं वो आएंगे, आपको सुनेंगे जरूर. मुश्किल दूसरी बात मैं ये कहूंगी, मुश्किल बातें, ओ माय गॉड। हेलो, हाय मेरे सॉन्ग तो सारे दोस्त मैन, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, लाइक ऑलवेज। गए. यू आर सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग लाइक ऑलवेज. इज अ थैंक ब्यूटीफुल सॉन्ग, ट्रस्ट मी, इट्स अमेजिंग। यू, एंड वी हैव थैंक टू यू. डू अ लाइव सेट ऑफ स्टुपिड हैप्पीनेस थ्योरी। So I'm still figuring out the technicalities for that, but it is in the pipeline. It will definitely happen, I promise you. So I just wanted Or to for the interrupt. Yeah, I just or wanted to interrupt Irshad, this. इरशाद आया तो मुझे Irshad ख्याल आया कि ब्लैक बॉक्स पे नेक्स्ट इंसुलिन नाइट्स का तैयारी पकड़ो, कोविड खत्म हो तो फौरन हमने करना है कुछ। सर, जो शो होगा कोविड के जमीन बाद, तो सर सर जो कोविड को, जो उसका थीम भी हम कोविड ही रखेंगे, हाँ बाद में होगा ना।
फिर तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड खुदा हाफिज़ के उस्मान मुख्तार और उस्मान खालिद बट का जो एक एक्ट होगा ना COVID-19 के ऊपर, बड़ा मजे बहुत मजे का होगा. ग्रेट सॉन्ग. थैंक यू इरशाद. ऑलराइट टेक केयर. थैंक यू. तो उस दिन हम, मैं और इरशाद, हमारे एक और दोस्त है वसीम, उनके साथ गाड़ी के अंदर, जिसने तुम्हें रिलीज किया गाना, एक होता ना अच्छा भाई गाना रिलीज में प्ले करो, हमने प्ले किया और हम खामोश, गाना खत्म हुआ, मैंने फॉरन रिपीट पे लगाया उसे. और यहां मैं उस्मान उस्मान मुख्तार को एक खबर सुनाता चलूं कि गाना रिलीज होने से पहले जब उसका साउंड ट्रैक फाइनल हुआ था तो चुप हश हश करके नताशा ने मुझे भेज दिया था उसका साउंड ट्रैक, और मैंने पहले सुन लिया था. कुछ लोगों की प्रिविलेजेस ही और होती हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग माय कॉम्पिटेंस. आई डोंट कंसीडर मायसेल्फ जिसको ABCB म्यूजिक की आती हो, लेकिन आपके साथ मैंने इतनी म्यूजिक क्विजेस की हैं और आपने सब एस किए हैं. आप झूठ बोल रहे हैं. ये हम्बल ब्रैगिंग अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. हम्बल ब्रैगिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. बस ठीक है, मैंने तो कहा है, मैं तो जमशेद असद भी कहता है, जमशेद भी कहता है, तुम भी कहते हो, मैं कहता हूँ हाँ बस ठीक है, मेरे लिए कंपोज करो तो मैं गा दूंगा. अच्छा मुझे अच्छा कुछ तो सुना, आप सोए नहीं सुना दे मुझे जी? अब इतनी दफा सुन लिया आपने, अब आप सोए नहीं सुना दे मुझे, आपने तो इतनी दफा सुन लिया. नहीं 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 वो इतना उसका मजा मैं नहीं खराब कर सकता, इतना खूबसूरत उसकी थीम अभी नहीं बोल रहा, थोड़ी प्रैक्टिस करके किसी दिन तो मैं गिटार पे सुनाऊंगा. सही, तो कुछ तो सुना दे आज. अब आप इतना इसरार कर रही हैं तो जाहिर है इसरार कौन है? मैं इसरार तो नहीं कर रही. इसरार इतना जबरदस्त सिंगर है हमारा इसरार शाह. अच्छा दैट वन. हां सॉरी. नहीं यार इतना मजे का तुम्हारा सेशन जा रहा है, क्यों मेरे से गाना गवा रही? बिकॉज़ उससे और मजा आएगा है ना. बस मैंने नताशा को कहा था कि सेशन के अंदर तुमने बार बार मुझे ना गाना गाने का कहना है, तो मेरे बहुत जोर से. सर सारी चीजें नहीं बताते इंस्टाग्राम पे. ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ओ ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर रहेंगे न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा. बस यस सर, इस गाने से मुझे एक और गाना याद आया, सुना दो. सुनाओ सुनाओ सुनाओ. ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. I love that song. साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना है भरा कीजिए. अच्छा सिंगर बैठी भी है, इतनी अकम्प्लिश्ड अवार्ड विनिंग सिंगर बैठी भी है और गाने में ये बेसुरा ढोल गा रहा है. सर एक तो मैं आपको यही कहने वाली थी अभी कि ऑनेस्टली जोक्स असाइड, नॉट जस्ट कि मैं आपके शो पे हूँ, आपकी बहुत अच्छी आवाज है, आप सीखें. बल्कि मैं आजकल क्लासेस कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो हम जूम सेशंस कर सकते हैं. वर्ड डन हो गया तो मुझे गाना सिखा. और मैं सब व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि अगर उसके बाद मैंने अच्छा गाना गाना शुरू कर दिया तो जाहिर है मैं हुई अच्छा, और अगर मैंने अच्छा गाना ना गाया तो मुझे उस्ताद अच्छी नहीं मिली. मेरी गलती है, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा नताशा I will accept these charges. बहुत लंबा सेशन हो गया है, दो पार्ट्स में हो गया, अभी इसको जोड़ना भी है और इसको यूट्यूब पे भी डालना है. आप सबको मैं बताऊंगा कि अभी कुछ देर में ये यूट्यूब पे आ जाएगा और मेरा जो यूट्यूब चैनल है तौसीक हैदर, उसको आप सब्सक्राइब भी करें. और वो शोदा से जुमला, मेरे सारे दोस्त कहते हैं जी वो शोदा जुमला आपने जरूर बोलना है, मैंने कहा कौन सा शोदा जुमला, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकॉन को उंगली लबाएं और ये मैंने कहा.
So, आज आपके लिए मैं कह देती हूँ. Hi everybody, this is Natasha Marjaz giving a shout out to Tausik Heather. He's just starting his incredible YouTube page. Don't forget to like, share, and subscribe, and click on the bell icon to get all the notifications on the latest on Tausik, on Mr. T. Very good. अब आप ये क्लिप उतार के ना हर दफा जब आपके कहीं ना दोस्त होगा वाला आप ये लगाते हैं हर दफा हर वीडियो के आखिर में. Natasha, all the best to you. जीती रहो, खुश रहो, और all the best to Bench, और to Insulin Nights, Celine, Usman, everyone, सबको मेरा बहुत प्यार, बहुत सलाम. आप सबको भी बहुत और बहुत याद आ रहे हैं. आप और इरशाद बहुत याद आ रहे हैं honestly. और मुझे तो लगता है मेरे partners in crime ही चले गए हैं. हाँ, दो ही तो लोग थे जो मेरी हर चीज सुन लेते थे. अब क्या किससे किससे करवाऊं मैं. अजीब अजीब चीजें हैं इरशाद. अच्छा वो बिजी है. ठीक है, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर. थैंक यू सो 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 मच. आई एम रियली मूव्ड. टेक गुड केयर. यस, थैंक यू. खुदा हाफिज़.